ठंड के दिनों में त्वचा में रूखापन आने लगता है, होंठ और एड़ियाँ फटने लगती है। काफ़ी बार हम इसे मॉइस्चराइज़र या कोल्ड क्रीम या कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट ये भी करके देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर तो इसका असर रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। तो क्या आयुर्वेद ने इस बारे में कुछ बताया है, ये देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। ठंडी के दिनों में त्वचा के रूखेपन के साथ साथ बाल भी बहुत रूखे होते हैं और टूटने लगते हैं। खासकर जिनकी वात प्रकृति है उनको तो ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो ठंडियों में भी त्वचा को निखरती और मुलायम रखने के लिए आगे बताई हुई कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात है शरीर पे तेल लगाना यानी अभ्यंग। आचार्य वाग्भट इसका महत्व बताते हुए कहते हैं, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्व दार्ढ़कृत। हमें हमेशा शरीर पे ये तेल लगाना है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है जैसे दिवाली में वगैरह हम लगाते हैं, लेकिन अपेक्षित ये रहता है कि उसके बाद भी हम साल भर ये तेल लगाए। अगर आपको साल भर लगाना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम ठंडी के दिनों में तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए। ये जो तिल है, तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और उसके साथ साथ ही तिल तेल में औषधि वनस्पतियों को सिद्ध करके बाकी भी जो तेल बनाए जाते हैं जैसे महानारायण तेल है या फिर अश्वगंधा तेल, बला तेल, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ तिल का अभ्यंतर सेवन भी हमें करना है। तिल स्निग्ध है, उष्ण वीर्य है, हमारी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छे है, तो तिल और गुड़ के लड्डू हमें बहुत फ़ायदा दिला सकते हैं। अभ्यंग के बाद उबटन लगा के गुनगुने पानी से स्नान करना है। इसके अलावा चेहरे पे हल्दी और चंदन का लेप आप लगा सकते हैं, इसका भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। खाने में हमें घी का प्रयोग नित्य करना है। घी को शरीर के वर्ण को बढ़ाने वाला, वात पित्त आदि दोषों का नाश करने वाला बताया है। ठंड के सीज़न में खाने पीने की जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो पौष्टिक, गर्म प्रकृति की और स्निग्ध अगर हुई तो वो भी बहुत फ़ायदा दिलाती है। इसमें दही है, गुड़ है, उड़ीद की दाल है, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ऐसे सूखे मेवे हैं, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा में नस्य चिकित्सा बताई है, जो बालों के लिए और चेहरे की त्वचा के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसके साथ साथ बाहर का खाना जो बहुत स्पाइसी है या मिर्च मसाले वाला है उससे बचे, और जो वात प्रकृति वाले हैं वो एसी में या फिर पंखे की हवा में ज़्यादा देर तक रहने से भी बचे। ये तो हो गई खान पान की बातें, और इसके साथ कुछ मानस भाव भी बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़रूरी है मन का स्नेह, मन की प्रसन्नता, ये भी हमारे चेहरे पे निखार लाएगी। को ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।